सगड़ी में डीएम और एसपी ने फरियाद सुनी। कुल 85 मामलों में से 8 का मौके पर हुआ निस्तारण। जिलाधिकारी ने कहा कि आवेदन पत्रों से संबंधित विभाग शीघ्रता से सभी मामलों का करें निपटारा। जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना की अध्यक्षता में आज तहसील सगड़ी सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित और गुणवत्ता युक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी। जन समस्याओं का गुणवत्ता युक्त और समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस मौके पर कुल 85 प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए, जिसमें से 8 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष 77 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया। प्राप्त मामलों में राजस्व विभाग से संबंधित 51, पुलिस से संबंधित 16, विकास के 5, स्वास्थ्य के 2, शिक्षा के 1, समाज कल्याण के 1 तथा अन्य 9 मामले शामिल रहे। जिलाधिकारी ने समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिन जिन विभागों से संबंधित आवेदन पत्र प्राप्त हुए उसे जल्द से जल्द 100% गुणवत्ता युक्त निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि अगर समस्याओं का निस्तारण प्राथमिक स्तर पर ही कर दिया जाए तो जनता को मुख्यालय तक नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए अधिकारीगण प्राथमिकता के आधार पर प्रारंभिक स्तर पर ही जन समस्याओं का वास्तविक निस्तारण कर दें। संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर जिलाधिकारी ने किसानों को सरसों मिनी किट का निःशुल्क वितरण भी किया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी सगड़ी, सीईओ सगड़ी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, आज यहाँ तहसील दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सगड़ी में हम एसएसपी साहब यहाँ पर आए हैं, सीडीओ साहब इत्यादि। तो यहाँ जो कुछ शिकायतें अभी तक प्राप्त हुई हैं वो 85 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 8 शिकायतों का निस्तारण मौके पे ही हो गया है। बाकी शेष जो 77 शिकायतें हैं उनके संबंध में सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि 1 सप्ताह में इनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करेंगे। सबसे अधिक जो शिकायतें आई हैं वो राजस्व विभाग की हैं, भूमि से संबंधित हैं, चाहे वो सार्वजनिक प्रकार की जो भूमि है, चक्रोड, नाली इत्यादि, उसको मौके से खाली कराने के संबंध में हो। उसके अतिरिक्त हमारी पुलिस विभाग और विकास विभाग की नेक्स्ट जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की सीक्वेंस में बताए तो उनकी एप्लीकेशंस हैं। तो सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि जिस प्रकार की भी शिकायतें हैं, चाहे पैमाइश से संबंधित शिकायतें हैं, अवैध कब्जा हटाने से संबंधित शिकायतें हैं, पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतें हैं, कुछ आवास पेंशन इत्यादि की शिकायतें हैं, उनका गुणवत्तापूर्वक निस्तारण 1 सप्ताह में करके और अपनी रिपोर्ट जरूर प्रेषित करेंगे। उनके द्वारा यहाँ पर आसरा योजना के अंतर्गत जो आवास दिए जाने के लिए रिक्वेस्ट डाली गई है, तो डूडा विभाग को निर्देशित किया गया है और एसडीएम साहब को निर्देशित किया गया है कि वो जानकारी ले लेंगे जो आवास आवंटन कितने अभी बाकी हैं और उसके महिला की पात्रता के संबंध में संभवतः पहले ही जांच हो चुकी है, तो आवास आवंटन में कितनी रिक्तियां हैं उसको देखते हुए आगे ज़रूर निर्णय लिया जाएगा। बाकी उनसे ये भी जानकारी ली गई कि पेंशन उनको मिल रही है, उनके पास एक ट्राईसाइकिल है, उनके द्वारा बताया गया है, और दिव्यांगजन विकास अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे, उनके सामने ये सब डिस्कशन हुआ। तो और भी अन्य जो योजनाएं हैं जिससे हम उनका उनको हेल्प कर सकते हैं उसकी जानकारी लेने के लिए भी यहाँ पर सीडीओ साहब, एसडीएम साहब को कह दिया गया। लगातार देखिए, राजस्व की जो समस्याएं हैं उनका तेज़ी से निस्तारण करने के लिए शासन के भी निर्देश हैं। इसमें जो राजस्व वाद हैं उनका भी निस्तारण जितनी तेज़ी से हम करते जाएंगे उतनी तेज़ी से ये समस्याएं रिजॉल्व होती जाएंगी। तो राजस्व वादों का निस्तारण तेज़ी से हो, जो मिसलेनियस एप्लीकेशंस हैं जो मौके पर सरसरी तौर पर या मौके पर राजस्व और पुलिस विभाग की टीम जाकर इजीली रिजॉल्व कर सकती हैं, लोगों को लाभ पहुंचा सकती हैं, उनको भी निस्तारण तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।